नैनीताल जिले में पुलिस ने नाबालिग बाइक सवारों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पुलिस ने अभिभावकों को भी चेतावनी दी है कि अपने नाबालिग बच्चों को बाइक या स्कूटी ना दें, क्योंकि अब पुलिस किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि इस अभियान में अब तक 40 से ज्यादा गाड़ियां सीज कर दी गई हैं, क्योंकि ज्यादातर हादसों में देखा जा रहा है कि नाबालिग बच्चे बाइक या स्कूटी चला रहे हैं। लिहाजा अभिभावकों से अपील की जा चुकी है, उसके बावजूद भी अगर वो अब बच्चे बाइक या स्कूटी चलाते हुए दिखाई दिए तो तत्काल उसे सीज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस अभिभावकों को थाने बुलाकर उनकी काउंसलिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में रोक लगाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि किसी भी हाल में अपने नाबालिग बच्चों को बाइक या स्कूटी न चलाने दें, अन्यथा खुद उनको ही परेशानी उठानी पड़ेगी। तो पूरे जनपद में ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें अभी तक 40 गाड़ियां सीज हो चुकी हैं। इसमें जो बच्चे नाबालिग बच्चे जो बाइक चला रहे हैं उनको सीज किया जा रहा है, उसके अलावा उनके पेरेंट्स को बुला करके उनको गाइड किया जा रहा है कि इस प्रकार अपने बच्चों को स्कूटर या मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि दुर्घटना की संभावना इससे ज़्यादा बनी रहती है। इसमें स्कूल और आपका पेरेंट्स की मीटिंग में भी बार बार पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और आगे इसमें लार्ज स्केल पे एक स्कूलों की मीटिंग होने जा रही है।